हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एजे टेक्नो पे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करना है कि यूपी बोर्ड 2019 का रिजल्ट आप अपने फ़ोन से कैसे चेक कर सकते हैं। तो आपको पूरा वीडियो में बताऊंगा भाई, स्टेप टू स्टेप मैं आपको पूरा वीडियो समझाने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन से, दो तीन वेबसाइट भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं अगर किसी भी वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला है तो। क्योंकि 58 लाख यहाँ पर बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम दिए हैं, तो सारा एक साथ अपना जो रिज़ल्ट है वो चेक करेंगे। तो सो आपको किसी भी अगर वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है तो आप दूसरी वेबसाइट पे भी अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक पूरा वीडियो के साथ हमारे, ताकि आपको पूरा वीडियो आपको समझ में आ सके और मैं आपको पूरा रिज़ल्ट समझा सकूँ। सो प्लीज़, अगर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को है जो प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ होगी वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी और आप उसे देख सकेंगे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन पे आ जाना है क्रोम ब्राउज़र पे। जैसे ही आप अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाते हैं, क्रोम ब्राउज़र पे आपको यहाँ पे ऊपर सर्च मारना है upmsp.nic.in, upmsp.edu.in। जैसे आप यहाँ पे इसको सर्च मारेंगे तो आपको ये लिंक आपको मिल रहा है, ये लिंक आ जाएगा। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सक और जाकर वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उत्तर प्रदेश की, उसकी वेबसाइट है। जैसे ही आप सर्च करेंगे upmsp.edu.in तो ये खुल के आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले एक लिंक मिल जाएगा, आपको यहाँ पे समस्त परीक्षा फल, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अपना जो रिज़ल्ट है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल अभी लिंक 2018 का दिया गया है, थोड़ी देर में यहाँ पे 2019 का लिंक आपको 12:30 बजे तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ज़्यादा नहीं, बस आपको 4 घंटे और वेट करना है, आपको यहाँ पर अपना रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दूसरे वेबसाइट की। तो फिर से आपको क्रोम ब्राउज़र पे आना है और सर्च इंजन में आपको यहाँ पे टाइप करना है upresult.nic.in, upresult.nic.in। जैसे आप टाइप करेंगे तो आपको सबसे पहले ऊपर एक वेबसाइट दिखेगी, तो ऑफिशियल वेबसाइट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है इसी वेबसाइट पर आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिज़ल्ट लोग चेक करते हैं इसी वेबसाइट से चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे 2018 जो देखने को मिल रहा है अनाउंसमेंट 2018, तो फिलहाल अभी अब थोड़ी देर में आपको यहाँ पे 2019 देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे अपना 2019 का रोल नंबर डाल के, अपना कॉलेज का कोड जो है डाल के अपना नंबर चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अब यहाँ आपको एक 2018 का एक ओपन करके दिखा देता हूँ डेमो के लिए, कि कैसे यहाँ पर आपको चेक करना है। सिंपल सा आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना है, रोल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रोल नंबर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों वेबसाइटों पर जाकर के अपना रिजल्ट जो है वो बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके साथ हाई स्कूल इंटर में है, या फिर आपके छोटा भाई बहन जिसका भी आप रिजल्ट देखना चाहते हैं उसको साथ शेयर कीजिएगा, उसको कहीं भटकना ना पड़े और सारी जानकारी उसको मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियोज होगी सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।